नमस्कार। षड्यंत्र के हर एपिसोड में हम कोशिश करते हैं जुर्म की जड़ें खोदने की, गुनहगारों के नकाब नोचने की और आपको आगाह कराने कि षड्यंत्र रच रहा है कोई बड़ी खामोशी से। एक वारदात, एक सनसनी, एक राज और एक खूनी षड्यंत्र। सनसनीखेज वारदात से थर्राया टोहाना। गीता कॉलोनी में षड्यंत्र का खुलासा। मोहब्बत की खातिर रिश्तों की बलि। आशिकी में कातिल बनी बेवफा बीवी। इसके घरवाली है अमरजीत, इसके किसी आदमी से नाजायज संबंध थे। गैर के लिए अपनों से मुंह मोड़ा। जान की चाहत में पिलाया मौत का जाम। इश्क में रोड़ा बने पति को उतारा मौत के घाट। प्रेमी संग मिलकर रचाई मौत की साजिश। कानून के शिकंजे में लफंगे परिंदे। टोहाना में खूनी मोहब्बत की इबारत उस वक्त लिखती गई जब गीता कॉलोनी का रहने वाला अनिल अचानक रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो गया। ये गुमशुदगी मौत के राज पर जाकर खुली तो हैरान रह गया हर कोई। कुछ जिंदगानियां तस्वीरों में ही सिमट कर रह जाती हैं कभी कभी। बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा, एक उम्र इन्हीं तस्वीरों में चस्पा होकर रह जाती है यकायक। ऐसी ही एक तस्वीर आज उस वक्त फिर उभरी जब टोहाना में सनसनी फैल गई कि रिश्तों का कत्ल कर गया कोई बड़ी खामोशी से। ये जिसका मर्डर हुआ ये मेरा भतीजा है और जो इसके घरवाली है अमरजीत, इसके किसी आदमी से नाजायज संबंध थे और मेरे भतीजे के लड़के ने जो खुलासा किया है वो ये, उसने कहा कि इसको बाइक पे बिठा के ले गए रात को और इसको जो मौत का जो इसको घाट उतारा और उसके बाद ये निश्चिंत हो गए। और हमारे पोते ने हमें बताया अगले दिन कि इसने पापा, हमारे पापा को मरवा दिया। इस खूनी मोहब्बत की इबारत उस वक्त लिख दी गई जब टोहाना की गीता कॉलोनी का रहने वाला अनिल अचानक रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गया। खबर आग की तरह फैली और सनसनी बन गई। शक और सवाल के बीच ये रहस्यमय गुमशुदगी जी का जंजाल बनी थी और तहकीकात एक चुनौती। देखिए, इसमें हमारे पास एक 365 के तहत हमने एक एफआईआर नंबर 6 दर्ज करी थी जिसमें ये कहा गया था कि अनिल नामक लड़का जो जिसकी उम्र लगभग 28-29 साल की है उसको किडनैप कर लिया गया है। एक उसकी पत्नी उसमें उसकी शामिल रही है जिससे हमें एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग जो है वो बात सामने हमारी तफ्तीश में आई है अभी तक। और हमने कल एक उसकी पत्नी अमरजीत कौर और विनोद नाम एक लड़के को राउंड अप किया था जिस उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि उनके बीच में 4 साल से प्रेम प्रसंग का अफेयर था। इनका पति जो था वो इनके बीच में आ रहा था तो उनकी मिली भगत से उन्होंने ले जा करके उसका नहर पर उसका मर्डर किया है। मर्डर करने उपरांत नहर में उसकी बॉडी डाल ली। कहां गायब हुआ था अनिल? किसने कहा कि माँ खूनी है और क्या राज है इन तस्वीरों का जिसमें दर्ज है अतीत भी और वर्तमान भी? और आखिर किसने रचा षड्यंत्र रिश्तों के कत्ल का? हरियाणा न्यूज के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट। पति पत्नी और वो की पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट कर आ रहे हैं। मगर वो ये भूल गई कि जिस इश्क की खातिर वो सब कुछ छोड़ आई है वही इश्क उसे एक दिन
बर्बाद करके रख देगा। आज हरियाणा न्यूज पर उस रिश्ते का खुलासा होगा जिसमें रच बसकर एक बीवी कातिल बन गई और रिश्ता कत्ल का। दो बच्चों के पिता अनिल के गायब होने की खबर से पुलिस तक खलकान थी, मगर गुमशुदगी का राज मौत के पास पर जाकर टूटा तो चौंकिया हर कोई। मेरी भाभी किसी लड़के के साथ नजायज संबंध थे तो इन्होंने मिलके मारा है जी मेरे भाई को। इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया है जी। इसने बताया जी पापा जी को मार दिया जी चाचा, तो फिर हमने कानून कार्रवाई वहाँ पे गए थाना में जी, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई। सुन ये भतीजे ने तो बताया कि नहर पे ले जाके मारा गया भाई, और आरोपी ने भी बताया जी नहर में धक्का दिया जी। पहले ड्रिंक करवाई है जी, शराब पियाई है यहीं घर बैठ के जी पहले। गीता कॉलोनी के रहने वाले अनिल को नहीं पता था कि उसकी बीवी अमरजीत कौर किसी गैर की बाहों के सपने बुन रही थी। दो बच्चों की मां अमरजीत एक अरसे से विनोद को चाहती थी। कॉलोनी का ही रहने वाला विनोद भी अमरजीत को दिलोजान से चाहता था, मगर इश्क का हर लफ्ज अधूरा होता है। यहां भी कुछ ऐसा ही था। 3-4 साल से नजायज संबंध थे, कई बार 10-12 बार यहां थाना सिटी थाना में हमने दरखास्तें दी कार्रवाई की, लेकिन उसके संबंध ऐसे थे कि हमारी पूछताछ नहीं होती थी, तो उससे वजह से हम आते थे पंचायतें होती थी हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। वो नजायज चलाक थी, उस प्लानिंग के पूरी बहुत बढ़िया तकड़ी प्लानिंग के हिसाब से इन्होंने इनको मौत के घाट उतारा। अमरजीत हर कीमत पर विनोद को पाना चाहती थी, मगर वो ये भूल गई कि जिस इश्क की खातिर वो सब कुछ छोड़ आई है वही इश्क उसे एक दिन बर्बाद करके रख देगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हरियाणा न्यूज के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट। गैर की खातिर रिश्तों का कत्ल करने वाली अमरजीत पुलिस के गिरफ्त में, और उसका आशिक भी कानून के शिकंजे में। टोहाना की ये बेनाम मोहब्बत एक पूरे परिवार को उजाड़ कर चली गई। पति पत्नी और वो के फेर में फंस कर रह गई एक घर की कहानी। अमरजीत विनोद से अपनी मोहब्बत का इकरार कर चुकी थी, मगर अनिल इस इकरारे मोहब्बत पर एतराज जता चुका था, बार बार जता चुका था, कई बार जता चुका था, मगर अमरजीत पर अंधा इश्क इस कदर हावी था कि ना उसे रिश्तों का ख्याल रहा और ना मान मर्यादा का। जिसका मर्डर हुआ ये मेरा भतीजा है, और जो इसके घरवाली है अमरजीत, इसके किसी आदमी से नजायज संबंध थे, और मेरे भतीजे के लड़के ने जो खुलासा किया है वो ये, उसने कहा कि इसको बाइक पे बिठा के ले गए रात को और इसको जो मौत का जो इसको घाट उतारा, और उसके बाद ये निश्चित हो गए। और हमारे पोते ने हमें बताया अगले दिन कि इसने हमारे पापा को मरवा दिया। 3-4 साल से नजायज संबंध थे, कई बार 10-12 बार यहाँ थाना सिटी थाना में हमने दरखास्तें दी कार्रवाई की, लेकिन उसके संबंध ऐसे थे कि हमारी पूछताछ नहीं होती थी, तो उससे वजह से हम आते थे पंचायतें होती थी हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। वो नजायज चलाक थी, उस प्लानिंग के पूरी बहुत बढ़िया तकड़ी प्लानिंग के हिसाब से इन्होंने इसको मौत के घाट उतारा। मेरी भाभी किसी लड़के के साथ नजायज संबंध थे तो इन्होंने मिलके मारा है जी मेरे भाई को। इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया है जी। इसने बताया जी पापा जी को मार दिया जी चाचा, तो फिर हमने कानून कार्रवाई वहाँ पे गए थाना में जी, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई। सुन ये भतीजे ने तो बताया कि नहर पे ले जाके मारा गया भाई, और आरोपी ने भी बताया जी नहर में धक्का दिया जी। पहले ड्रिंक करवाई है जी, शराब पियाई है यहीं घर बैठ के जी पहले। संधी चाहत की खातिर रिश्तों का दामन छोड़ चुकी अमरजीत विनोद के लिए अनिल तक को ठुकरा चुकी थी, लेकिन अनिल पर जिद सवार थी कि घर बच जाए, मगर
वो न बच पाया और बिखर गया रिश्तों का रेशा रेशा तक। नगर के रहने वाले हैं, ये कंप्लेन लेके आए कि उनका एक बेटा अनिल कुमार, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, वो घर से गायब हो गया। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन चालू की तो हम लोगों को जिस तरीके के कंप्लेंट थी उस हिसाब से जो अनिल कुमार की वाइफ हैं और उनका एक लड़का है विनोद कुमार, जिसके साथ पिछले 4 साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो उन्होंने उनका अपहरण कर लिया। तो जिसमें हम लोगों ने विनोद कुमार से थोड़ा सख्ताई से पूछताछ की तो उसने बतलाया कि 3 तारीख को रात के समय वह अनिल कुमार को किसी बहाने से यहाँ पर नहर पर ले गया। बेनाम मोहब्बत के लिए बेवफा अमरजीत ने आशिक विनोद के साथ मिलकर पति अनिल के खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें फंसकर दम तोड़ गया बेचारा अनिल। ये एक ऐसा खूनी षड्यंत्र था जिसका निगहबान आज खुद जेल की सलाखों के पीछे है। टोहाना से हरियाणा न्यूज के लिए नवल सिंह की रिपोर्ट। शोहर के लिए बीवी ने कैसे रचा खूनी षड्यंत्र, देखिए इस ब्रेक के बाद जारी है खास पेशकश। पीछे छोड़ गई 2 मासूम बच्चों को, पूरी कहानी क्या है और पूरा षड्यंत्र कैसे रचा गया, ये रिपोर्ट देखिए। ये पुलिस की गिरफ्त ना होती अगर दिल में मोहब्बत ना होती, मगर ये हुई और बर्बाद कर गई 3 जिंदगियां। एक लड़का है विनोद कुमार, जिसके साथ पिछले 4 साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो उन्होंने उनका अपहरण कर लिया। तो जिसमें हम लोगों ने विनोद कुमार से थोड़ा सख्ताई से पूछताछ की तो उसने बतलाया कि 3 तारीख को रात के समय वह अनिल कुमार को किसी बहाने से यहाँ पर नहर पर ले गया और उसका गला दबाकर उसको नहर में धक्का दे दिया। और जिसमें हम लोगों ने कल ही विनोद कुमार और अनिल की जो पत्नी है अमरजीत को, उनको राउंड अप करके अरेस्ट कर लिया था। अमरजीत विनोद के साथ मिलकर अनिल के खात्मे की साजिश रच चुकी थी। पहले दोनों ने जमकर अनिल को शराब पिलाई और फिर नशे की खुमारी में डूबे अनिल को धकेल दिया मौत की मझधार में। आज हम लोगों ने अनिल कुमार की जो डेड बॉडी है वो हम लोगों ने रिकवर कर ली है और अभी उसका पोस्टमार्टम करा के जो आगे की कार्रवाई आएगी पोस्टमार्टम में जिस तरीके की रिपोर्ट होगी उस तरीके से जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसको जारी रखेंगे। मुकदमा हम लोगों ने सबसे पहले 365 में दर्ज किया था और अब उस पर सेक्शन 302, 201 और 364 और हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया। गुना के थाने के उसमें आता नहर पे अपना काजल हेड है हमारा, उससे थोड़ा सा पहले ही काजल हेडी, काजल हेडी वहाँ पर जो हेड है उससे पहले थोड़ा पहले ही हम लोगों को डेड बॉडी लाश मिली। गुमशुदगी का राज खुला और खुल गया षड्यंत्र का ताना बाना जिसे बुनने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे माशूक और उसकी दिल परे माशूका अमरजीत, मगर ये कोशिश न मंजिल पा सकी न मुकाम। टोहाना से हरियाणा न्यूज के लिए नवल सिंह की रिपोर्ट। तो गुनाह और गुनहगारों से करने आपको सावधान, फिर लेकर हाजिर होंगे षड्यंत्र। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।